लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे यूटीआई में कारगर है धनिया का पान, किस तरीके से इसको लेना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूटीआई एक ऐसी समस्या है जो महिला हो या पुरुष दोनों में ही देखने को मिलती है। हालांकि महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, जिससे पेशाब करते वक्त जलन या दर्द का एहसास होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंटीमेट एरिया की हाइजीन मेंटेन करके ना रखना। सॉरी, यूटीआई के कारण लोगों को उठना बैठना भी दुभर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने पर प्राइवेट पार्ट में असहनीय दर्द होता है। इस समस्या से बचने के लिए आप इंटीमेट एरिया का हाइजीन मेंटेन रखें। आयुर्वेद में यूटीआई इलाज के लिए अनेक औषधियां हैं, लेकिन धनिया का पानी भी इस समस्या से निजात दिला सकता है। यूटीआई में धनिया का पानी पीने के फायदे क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला फायदा है, धनिया के बीजों में पाया जाने वाला एंटी बैक्टीरियल गुण यूटीआई के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन यूटीआई इन्फेक्शन को कम करने में सहायक होता है। दूसरा, धनिया के बीजों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण होने वाले जलन और दर्द को कम करने में मदद करता है। इससे इन्फेक्शन का प्रभाव कम होता है। तीसरा, धनिया में पाया जाने वाला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और खनिज यूरिनरी ट्रैक्ट को हील करने में सहायक होते हैं। चौथा, धनिया के पानी में विटामिन सी के साथ कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर की पितृरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जिससे व्यक्ति अन्य बीमारियों से भी बच जाता है। पांचवा, धनिया का पानी पेट की समस्याओं को कम करने में भी सहायक होता है। अगर आपको खाना खाने के बाद गैस या ब्लोटिंग होती है तो आप रोजाना धनिया का पानी पिए, इससे लाभ मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं धनिया का पानी कैसे बनाकर पीना है। धनिया के बीजों को पानी बनाने के लिए आपको 2 कप पानी में 3 चम्मच धनिया के बीजों को डालकर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना होगा। जब पानी पीले रंग का हो जाए तो गैस बंद कर दें और पानी ठंडा होने के बाद एक बोतल में भरें। इस पानी को दिन भर में कई बार धीरे धीरे पिएं, इससे शरीर के अंदर की गर्मी कम होगी और यूटीआई की समस्या से भी आपको निजात मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।